हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्प्ले रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, इस टाइप का यहाँ पे लगा हुआ था तो यहाँ से फट गया है, इस टाइप से यहाँ से टूट गया है, ब्रेक हो गया है। तो सिंपली इसको क्या करना है कि इस प्रकार से शार्प रखना है और इस प्रकार से इसको रगड़ रगड़ के यहाँ पे और पूरा पॉइंट को जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर लेना है और इधर साइड भी क्लीन कर लेना है। देखिए, मेरे दोनों साइड जो है इसको शार्प जो अति ब्लेड है उससे जो है यहाँ पे क्लीन कर लिया है क्योंकि ये जो है यहाँ पे टूट गया था। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको जो है निकाल करके इसको जो है कि यहाँ पे लगाएंगे और मेरा 100% जो है कि काम कर जाएगा। अब इसको यहाँ पे जो है कि क्लीन कर देंगे ताकि अच्छा से दिखाई दे आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्लीन कर दे रहे हैं इसको सबसे पहले थिनर से। तो इस प्रकार से कुछ आप लोग को क्लीन कर देना है। देखिए, इस टाइप से पूरा क्लीन हो गया है। पीसीबी क्लीन करने के बाद ये डिस्प्ले है और दोस्तों इसको डिस्प्ले पे क्या करेंगे, रिसोल्ड करेंगे। तो रिसोल्ड करने से पहले सबसे पहले हम इस पर पेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो पेस्ट को अप्लाई हम दोनों तरफ करते हैं और इसके बाद जो है कि इस पर जो है कि रिसोल्ड करेंगे ताकि सोल्डिंग जो है कि अच्छा से हो और ताकि ग्राफिक्स भी अच्छा से आए, कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर रहे हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले को रिसोल्ड करने के बाद अब बारी आती है इसका बोर्ड में लगाने का। तो अब हम बोर्ड में लगाते हैं इसको। तो इस साइड भी हल्का बच गया है तो इस साइड भी हम इसको रिसोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इधर भी रिसोल्ड हो गया है। इसको अच्छा तरह से करना है ताकि तब भी पूरा फ्रेश रहेगा तो ही काम अच्छा करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा क्योंकि यह जो है कि ब्रेक डिस्प्ले है, टूटा हुआ डिस्प्ले है। तो सिंपली अब इसको क्या करना है कि इस प्रकार से जो है कि इसको सोल्डिंग कर देना है दोनों साइड करने के बाद। अब फाइनली हम इस डिस्प्ले को जो है कि लगाने वाले हैं। तो डिस्प्ले लगाने से पहले हम इस पर थोड़ा सा पेस्ट को अप्लाई करते हैं ताकि और भी बेटर और भी अच्छा हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार सोल्ड कर दिए इसको भी। और देखिए, यहाँ पे पूरा अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि हम यहाँ पे रिसोल्ट जो है बिल्कुल अच्छा से किए हैं। और इस प्रकार से डिस्प्ले को जो है कि सोल्डिंग कर देना है ताकि परफेक्ट पिन जो है कि सोल्डिंग हो, आपस में सटे ना, अन्यथा जब सटेगा तो फिर डिस्प्ले शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रख लेना है और इसके बाद जो है कि इसको सोल्डिंग कर देना है। सभी पिन को जो है आराम आराम से सोल्डिंग करना है। तो आराम आराम से सभी पिन को सोल्डिंग कर देते हैं इसमें। तो मेरा डिस्प्ले अच्छा से रिसोल्ड हो गया है। तब इसको क्या करते हैं, एक बार क्लीन कर देते हैं फिर से ताकि इससे यहाँ पे कार्बन ना रहे, बिल्कुल अच्छा तरह से क्लीन रहे। तो यहाँ पे एक बार अच्छा से साफ कर देना है। देखिए, यहाँ पे सारे पिन जो है अच्छा से सोल्डिंग हो गया है। अब इसको हम स्विच ऑफ खोल करके आप लोग के सामने चेक करवाते हैं और दिखाते हैं कि डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, हम इसको पावर ऑन करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पावर ऑन हो गया और इसमें ग्राफिक्स भी अच्छा सा आ गया, लावा का फ़ोन था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।